नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं कनिका। इस बार का वर्ल्ड कप बहुत ही रोमांचक मोड़ पर चल रहा है। अगर भारतीय टीम की बात करें तो इनकी शुरुआत काफी शानदार रही है, लेकिन भारतीय टीम के जैसे एक टीम ने ऐसा उलटफेर किया कि अब इसकी चर्चा युगो युगो तक की जाएगी। ये टीम है अफगानिस्तान की, जिसने 15 अक्टूबर को हुए मैच में मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। 15 अक्टूबर को हुए अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड के मैच में तो अफगानिस्तान ने गजब ही कर दिया। ये मैच कोई आम मैच नहीं था, ये था एक ऐसा मैच जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली, बिल्कुल उस तरीके से जैसे 1978 में हुआ था। बल्लेबाजी से लेकर फील्डिंग तक सभी चीजों में अफगानिस्तान ने ये बता दिया कि ये भी टीम किसी से कम नहीं है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने शानदार शुरुआत की और फिर अंत करते हुए 49.5 ओवर में 284 रन बनाए। इतना बड़ा टारगेट जोस बटलर एंड कंपनी के लिए एक अच्छी चुनौती की तरह महसूस हुआ। और फिर आई अफगानिस्तान की बॉलिंग पारी, जहां अफगानिस्तान के स्पिनरों की गुणवत्ता को देखते हुए इंग्लैंड के तो छक्के ही छूट गए। ये एक चुनौती से भी अधिक साबित हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान विजेता बनकर उभरा और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में परिणामों की एक विशिष्ट सूची में अपना नाम जोड़ा। अब इस कहानी को ही ले लीजिए, इस कहानी से तो आप भी अच्छे से वाकिफ होंगे। ये कहानी है 1983 विश्व कप की। ये वो समय है जब भारत का क्रिकेट की दुनिया में नामो निशान नहीं था। उसे कोई भी टीम पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो किसी टीम के आसपास भी नहीं था। लेकिन उन्होंने दुनिया को अपनी टीम की प्रतिभा पर गौर करने के लिए मजबूर कर दिया, जब ग्रुप स्टेज मैच में वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा। जबकि वेस्ट इंडीज ऐसी टीम थी जिसने आज तक हार का सामना किसी से नहीं किया था। शुरुआती मैचों में ऐसा होना बहुत ही आश्चर्यजनक था। और फिर आता है वो लॉर्ड्स का प्रसिद्ध दिन। कपिल देव की पूरी टीम ने लॉयड की टीम को स्तब्ध कर दिया, जो टूर्नामेंट के संक्षिप्त इतिहास में उनकी केवल दूसरी हार थी। लड़खड़ाती बल्लेबाजी के प्रयास से भारत 183 रन बनाने में कामयाब रहा। और फिर सामूहिक गेंदबाजी प्रयास के साथ साथ विव रिचर्ड्स को आउट करने के लिए कपिल का वो मशहूर रनिंग कैच भी भारत को फिनिश लाइन के पार ले गया। भारत बाहरी से विश्व विजेता बन गया। ये दोनों टीमों में आपको एक समानता तो जरूर नजर आ रही होगी। ये समानता है इंग्लैंड और उस समय के वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को कड़ी टक्कर देकर उनका अहम तोड़ने की। इस पर भारत के पूर्व बल्लेबाज क्रिस श्रीकांत भी अपने आप को ये बोलने से रोक नहीं पाए कि ये विश्व कप में अब तक की सबसे बड़ी उलटफेर भरी जीत रही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। नमस्कार।